सुप्रभात बच्चों, आज हम कथा मंजुषा में पार्ट दो पढ़ेंगे, कुबेर का घमंड, कि कुबेर को अपने धन पर किस तरह प्रकार घमंड था। तो पार्ट पढ़ने से पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। घमंड अभिमान, सहायता मदद, मान इज्जत, व्यंजन पकवान, एक दंत, दंत यानी दांत, एक दांत वाला, पश्चात बाद में, क्रोधित क्रोध यानी गुस्से से भरा, खजाना संचित धनराशि, संचित यानी जिस पैसे को हम जोड़कर रखते हैं तो वो कहलाता है खजाना। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ को। धन के देवता कुबेर को अपने धन पर बहुत घमंड था। उनका मानना था कि धन के बिना कोई काम पूरा नहीं किया जा सकता। वह मानते थे कि तीनों लोकों में कोई भी काम उनकी सहायता के बिना नहीं हो सकता। यानी कुबेर को अपने पैसे पे बहुत घमंड हो गया था और वो सोचता था कि मेरे बगैर जो है कोई भी काम नहीं चल सकता, और इतना घमंड हो गया था कि उसने अपने घमंड के कारण सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे देवताओं में मेरा मान यानी मेरी इज्जत बढ़े। उन्होंने सोचा कि सभी देवताओं को ऐसी दावत दी जाए जैसे पहले किसी ने ना दी हो। उन्होंने इसमें अनेक प्रकार के व्यंजन यानी पकवान बनवाने का निश्चय किया। कुबेर भगवान शिव की पूजा करते थे यानी वो शिव के भक्त थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं सबसे पहले भगवान शिव जी को न्योता देने जाऊंगा। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपके सम्मान में एक बढ़िया दावा देना चाहता हूँ। कृपा करके आप अपने परिवार सहित मेरे घर आकर इस दावत का मान बढ़ाएं। शिवजी ने बड़े ही शांति के साथ उत्तर दिया, पुत्र, तुम तो जानते ही हो मैं खाने पीने के लिए कहीं भी बाहर नहीं जाता। मेरे लिए तो यहाँ के फल ही काफी हैं, और देवी पार्वती भी मेरे बिना जो है दावत में नहीं जाएगी। भगवान शिव तो सभी के मन की बात जानते थे, इसलिए वह समझ गए थे कि कुबेर को जो है अपने ऊपर बहुत घमंड यानी अभिमान हो गया है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, हाँ, मैं अपने पुत्र गणेश को जरूर तुम्हारी दावत में जाने के लिए कह दूंगा। यानी शिव जी ने तो मना कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि तुम नाराज ना हो, मैं गणेश जी को तुम्हारी दावत में जाने के लिए कहता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी बहुत ही शरारती यानी नौटी थे, वह दुखों को दूर करने वाले हैं, और माता पार्वती को वह बहुत ही प्रिय यानी प्यारे हैं। छोटा कद है, मोटे शरीर वाले, और गणेश जी का मुंह और सिर जो है वो हाथी का है। दोनों दांतों में से उनका एक दांत टूटा हुआ है, जिसके कारण वह एक दंत कहलाते हैं। अलग अलग प्रकार का खाना खाने का उन्हें बहुत शौक है। लड्डू उन्हें विशेष रूप से पसंद है, यानी लड्डू उन्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं। उन्हें खुश करने के लिए सभी लोग तरह तरह की बढ़िया चीजें खिलाते हैं। भगवान शिव से दावत का दिन निश्चित करके कुबेर अपने घर लौटे और तैयारियों में लग गए। कुबेर चाहते थे कि दावत एक ऐसी हो जैसी अब तक किसी ने भी ना दी हो, और लोग खाकर जो है मेरी दावत को खाकर वाह वाह कर उठे। अब दावत के पश्चात भी काफी समय तक लोग उनके द्वारा दी गई दावत की प्रशंसा करें।
इसके लिए उन्होंने विभिन्न हलवाइयों को बुलावाकर तरह तरह के पकवानों की जानकारी ली और उन सबसे सलाह करके अनेक प्रकार के व्यंजन यानी पकवान बनवाने का निश्चय किया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पहले ही भेजे जा चुके थे। आखिर दावत का दिन आ ही गया। दावत के लिए बनाए गए स्थान को खूब सजाया गया। दूर दूर तक फूलों व मोतियों से सजावट की गई। इस सजावट को जो भी देखता वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। सभी अतिथि यानी गेस्ट आने लगे। सभी ने बहुत ही सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। कुबेर भी खूब सजे हुए थे। वह द्वार पर खड़े जितने भी अतिथि आते थे उनका स्वागत करते थे। कुछ समय बाद गणेश जी भी आ गए। कुबेर ने आगे बढ़कर उनका बहुत ही खुशी से स्वागत किया। आखिर इनके ईश्वर के पुत्र, उनके ईश्वर यानी जिनकी वे पूजा करते थे उनके पुत्र थे। सभी देवताओं में उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। अन्य कुछ देवताओं से मिलने के पश्चात कुबेर गणेश जी को भोजन वाले कमरे में ले गए। कमरा बहुत बड़ा था। गणेश जी अपने स्थान पर बैठ गए। उनके सामने चौकी रखकर सोने की थाली और सोने की कटोरियों में भोजन परोसा गया। उन्होंने भोजन करना शुरू कर दिया, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। देखते ही देखते उनके सामने परोसा गया सारा भोजन जो है समाप्त हो गया। उसी समय दोबारा फिर भोजन परोसा गया। गणेश जी ने वह भी भोजन समाप्त कर दिया और खाना परोसने वाले अधिकतर व्यक्ति उनके पास आकर खाना परोसते और गणेश जी जल्दी से उस खाने को समाप्त कर देते। अब तो कुबेर ने खाना परोसने वाले व्यक्ति गणेश जी के लिए लगा दिए और उन्हें जल्दी जल्दी खाना लाकर परोसने वाले व्यक्तियों के भी हाथ पांव फूलने लगे। रसोई घर के बनने वाला खाना, कच्चा खाने का सामान अब समाप्त यानी फिनिश होने वाला था, पर गणेश जी की जो भूख थी वो अभी तक शांत नहीं हुई थी। गणेश जी को खाने में थोड़ी सी देर भी सहन नहीं थी। वे भोजन स्थान से उठकर स्वयं रसोई घर में जा पहुंचे और वहां रखे हुए जो भी कच्चा था पक्का था सभी सामान को वो चट कर गए, यानी सारा खाना उन्होंने समाप्त कर दिया। और फिर भी गणेश जी का पेट नहीं भरा। कुबेर के खजाने के कमरे में पहुंच गए। उन्होंने वहां सारा खाना, सारा खजाना भी खाकर समाप्त कर दिया। इसके पश्चात कुबेर जी बोले, मुझे अभी उसके पश्चात कुबेर से गणेश जी ने कहा, मुझे तो अभी भूख लगी है, मुझे और भोजन चाहिए। यदि तुमने मेरे लिए खाने का प्रबंध नहीं किया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब तो कुबेर जो है बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि गणेश जी से क्या कहें। कुबेर चुप देखकर गणेश जी को गुस्सा आ गया और वो आगे बढ़े। गणेश जी को अपनी ओर आते देखकर कुबेर डर कर भागने लगे और कैलाश पर्वत पे जहाँ शिव जी बैठे हुए थे उनको पुकारते हुए बोले, हे प्रभु मुझे बचाइए। शिव जी ने उनकी पुकार सुनकर उनसे पूछा, अजी कुबेर जी क्या हुआ? कुबेर के उत्तर देने से पूर्व गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले, मुझे बहुत भूख लगी है। शिव जी बोले, जाओ अपनी माता से खाना ले लो। गणेश जी के जाते ही कुबेर भगवान शिव जी से क्षमा मांगने लगे, यानी उनसे माफी मांगी और उनकी आंखें खुल गई और उनका जो घमंड चकनाचूर हो गया। तो यानी इंसान को जो है कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घमंड कभी ना कभी टूट जाता है। जब घमंड टूटता है तो इंसान को बहुत दुख होता है। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुबेर दावत क्यों देना चाहते थे? कुबेर दावत इसलिए देना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने धन पर बहुत घमंड था और उनका मानना था कि तीनों लोकों में कोई भी काम उनकी सहायता के बिना नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन है, कुबेर दावत के निमंत्रण के लिए सबसे पहले शिवजी के पास क्यों गए? कुबेर भगवान शिव की पूजा करते थे
इसलिए वह भगवान शिव के पास सबसे पहले पहुंचे। शिव जी ने दावत में जाने से क्यों मना कर दिया? शिव जी ने दावत में जाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह समझ गए कि कुबेर को अपने ऊपर घमंड हो गया है। दावत का प्रबंध कैसा था? दावत के लिए बनाए गए स्थान को खूब सजाया गया। दूर दूर तक फूलों एवं मोतियों की सजावट की गई थी और तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। लास्ट क्वेश्चन है, कुबेर का घमंड कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कुबेर का घमंड कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि एक ना एक दिन उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। धन्यवाद।